सो गाइज वेलकम बैक विद अ पार्ट टू उज्जैन ब्लॉग। सो अभी अपन सीधा उठ के मैं सीधा सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट किया और आज अपना सेकेंड डे है और अपने को आज जाना है काल भैरव। तो अभी फ़िलहाल अपन उठेंगे, रेडी वेडी होंगे और ब्रश वश करके फ्रेश वश होके उसके बाद निकलेंगे और आज ही हम लोग को घर वापस भी जाना है। सो काल भैरव का दर्शन करके उसके बाद देखते क्या कैसा है और शाम को 4:30 बजे ट्रेन है तो निकलना है। सो भाई सबसे पहले तो मैं पानी भर लूँ, मेरे को पानी पीना है क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही है, यहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। सो बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जा रही है इसलिए पानी यहाँ पीते रहना, मैं तो काफ़ी पी रहा हूँ। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, फ्रेश व्रेश हो गए, ब्रश कर लिए और अभी अपन निकल रहे हैं और रूम भी छोड़ रहे हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे पहले रामघाट, फिर वहाँ नहाएंगे क्योंकि रामघाट मतलब तालाब में नहाने का अलग ही मज़ा है नदी में। सो हम लोग वहाँ जाके नहाने का डिसाइड किए, हम लोग यहाँ नहीं नहा रहे, वहाँ जाके नहाएंगे फिर वहीं से हम लोग को निकलना है। तो रास्ता भी काल भैरव का वहीं से है तो हम लोग वहीं से निकलेंगे। सो चलो चलते हैं और आगे का प्लान अभी अपने कुछ पता नहीं है तो आगे देखेंगे। सो गाइस तो हम लोग रामघाट पहुँच चुके हैं और फटाक से नहा करके तुरंत निकलेंगे। सो गाइस नहाना हो चुका है हम लोग का और हम लोग रेडी वेडी होके और रामघाट से निकल गए हैं और सबसे पहले तो अपन यहाँ से जाएंगे नाश्ता करने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो अभी हम लोग पहले यहाँ खोजेंगे कुछ खाने के लिए। सो गाइस हम लोग को यहाँ खाने के लिए पोहा मिला है, 15 रुपये प्लेट है तो हम लोग फिलहाल यही खा रहे हैं, सबसे सस्ता और बजट में भी हम लोग तो हम लोग यही खा रहे थे। पैदल पैदल घूम लेंगे, बजट कम है थोड़ा। भैया काल भैरव छोड़ेंगे नहीं, आना लाना ले जाना करेंगे। हाँ तो वही हाँ, मतलब आना भी है वहाँ से, थोड़ा देर रुक जाना हमारे लिए, दर्शन कर लिए। उधर भाई वो लोग पुलिस वाले खुद ही ले रहे हैं बैग, ले रहे हैं बच्चों के पास, पूरे देखे जाते हैं आने दुकान। सो गाइस बहुत देर बाद जाके हम लोग को सही शॉट ऑटो वाला मिला है क्योंकि बाकी सब इधर उधर घुमा रहे थे, ज़्यादा रेट ले रहे थे, हम लोग बड़ी मुश्किल से इसको खोजे और ये पूरा हम लोग का काल भैरव आना जाना 150 रुपये में फिक्स हुआ है। सो सबसे सस्ता यही है, बाकी सब 200-250 ऐसे जा रहे थे तो यही बढ़िया है। और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं काल भैरव की तरफ। सो गाइस तो अभी अपन पहुँच चुके हैं काल भैरव मंदिर और अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर और प्रसाद ले चुके हैं हम लोग यहाँ से, बाहर 50 रुपये मिला है। सो यहाँ अंदर भी मार्केट है और अभी हम लोग को पता चला कि हम लोग ने फिर जल्दबाजी कर दी, हम लोग को बाहर से नहीं खरीदना था, जो चीज़ बाहर 100 रुपये में मिल रही है वही चीज़ अंदर 50 में मिल रही है। सो अभी अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब हम लोग उसी को लेके जा रहे हैं। सो अभी हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं आगे और ये अपन गलत डायरेक्शन में चले गए थे चप्पल रखने के लिए। सो अभी फ़िलहाल अपन वापस से जा रहे हैं और फिर लाइन में लगेंगे और ये है यहाँ से पूरा बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ से चल चल के अपने को जाना है और इसके बाद भी ये पूरा लंबी लाइन के लिए लगा हुआ है और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है, अभी अंदर तक जाना है, अंदर तक पूरी लाइन है, कम से कम 1 घंटा तो अपने को यहाँ लगना ही है। अभी भी हम लोग खड़े ही हैं और अभी भी बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-11 बज रहा होगा इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, जितना जितना टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाएगी। सो ले दे के हम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए हैं और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो इस बार भी मैं अंदर भगवान का क्लिप नहीं ले सकता। सो अब अपन बाहर आ चुके हैं वहाँ दर्शन करके काल भैरव मंदिर के और इधर से अपन जाएंगे जहाँ शराब चढ़ाते हैं तो उसको चढ़ा करके अब हम लोग वापस बाहर आ गए हैं और ये एक शिवलिंग है यहाँ पर भी शंकर जी का, तो इसको देखते हैं। और अभी अपन जा रहे हैं वापस महाकालेश्वर टेंपल के पास जहाँ हम लोग स्टे किए थे। सो अभी हम लोग बहुत थक गए हैं तो अभी थोड़ा देर बैठेंगे और सोचेंगे आगे करना क्या है और जाना कहाँ है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस स्टेशन की तरफ क्योंकि अब हम लोग को और कुछ तो बचा नहीं है, सब घूम लिए हैं और स्टेशन का टाइम भी हो रहा है, मतलब ट्रेन का टाइम भी हो रहा है तो वापस। और सो गाइस हम लोग की ट्रेन भी आ चुकी है और अभी अपन जा रहे हैं वापस, तो चलते हैं। और अभी भी हम लोग जा रहे हैं जनरल में मस्त इंजॉय करते हुए, थोड़ा सा दिक्कत है पर कोई बात नहीं, ऐसी बड़ा। सो इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो और कीप सपोर्टिंग।